हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकी ट्रिपेट। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे की बहुत ही क्रिस्पी कचौड़ी। सुन सकते हैं आपकी कितनी क्रिस्पी है, और ये बिना तले हमने बनाई है और बहुत ही खस्ता सब्जियों से भरी हुई। बहुत ही एक अलग तरीके का नाश्ता है जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक भी करें। तो चलिए तैयार करते हैं ये क्रिस्पी सी खस्ता सी कचौरी की रेसिपी। तो ये कचौरी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने लिया है गेहूं का आटा। अगर आप इसे ग्राम में देखते हैं तो ये 200 ग्राम आटा है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे हमारी जो कचौरी है बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, क्योंकि अगर हम केवल गेहूं के आटे से ही बनाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून नमक, 1 बड़ा चम्मच ऑयल, क्योंकि ये मोयन के लिए हम डाल रहे हैं जिससे हमारी कचौरी में बहुत ही खस्तापन आएगा और बहुत ही क्रिस्पी कचौरी हमारी तैयार होगी। जब ये सभी चीजें हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमें डो ऐसा रखना है जैसे कि हम नॉर्मल रोटी और पराठे का रखते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए हमारा। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, और हमें बिल्कुल पंच करते हुए इसे हाथों से बिल्कुल लचीलापन देना है हमें आटे में, ताकि जो हमारी कचौरी है हमें बेलनी नहीं है, उसे हाथ से ही हमें फैलाना है। तो यहाँ पर अच्छे से हम उसे 1-2 मिनट तक गूंथ लेंगे, और इसके बाद जब हमारा आटा तैयार हो जाएगा हम उसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो यहाँ पर देख लिया आप, आटा तैयार हो गया है और अब हम इसे ढककर रख देते हैं और स्टफिंग तैयार करते हैं कचौरी बनाने के लिए। एक पैन को मैंने गरम किया है, उसमें डाला है 1 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को गरम करने के बाद उसमें हम जीरा भूनेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा इसमें ऐड किया है, और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मैं यहाँ पर केवल हरी मिर्च डाल रही हूँ, 1 हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है। आप अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना चाहें तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमने 2 मीडियम साइज की लंबाई में कटी हुई प्याज इसमें मिक्स की है, और उसे हम थोड़ा सा गोल्डन होने तक भून लेंगे। मैंने यहाँ थोड़ी सी प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस से 1 या 2 प्याज कर सकते हैं। आप देखिए प्याज में गोल्डन कलर आ गया है, तो अब इसमें हम कुछ और सब्जियाँ ऐड कर लेते हैं। तो मैंने ये डाली है 1 कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और 1/2 कप डाला है इसमें पत्ता गोभी, वो भी बारीक कटी हुई। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे पालक डाल सकते हैं बारीक कट कर, कॉर्न डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, गाजर मटर, कोई भी सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब्जियों को हमें बहुत ज्यादा देर नहीं भूनना है। तो कुछ देर भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे, और 1/4 टीस्पून ही लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर। आप इसमें जो मिर्च है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, और नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक और मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब सब्जियाँ मसालों के साथ भून लेंगे। जब ये भून जाएंगी अच्छे से, तो ये हमें मीडियम फ्लेम पर भूननी है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा देर इन्हें फ्राई नहीं करना है, बहुत ही थोड़ी देर, 1 मिनट तक ही हमें इन्हें भूनना है। अब हमने इसमें डाले हैं 1 मीडियम साइज का आलू, उबला हुआ और ठंडा किया हुआ। आलू को बहुत ही अच्छे से हमने मैश कर लिया है। आप आलू की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने केवल 1 मीडियम साइज का आलू लिया है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं क्वांटिटी को। मैंने इसमें बाकी सब्जियों का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा दिया है। अब हम इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं 1 बड़े चम्मच टोमेटो केचप और 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस। आप इसमें अपनी पसंद है ये आप डालना चाहें, ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप इसे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे यूज़ किया ताकि थोड़ा सा खट्टा टैंगी सा टेस्ट इसका अच्छा सा आता है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमारी जो सब्जियाँ हैं बहुत अच्छे से भून गई हैं। अब इसके बाद हम इन्हें ठंडा कर लेंगे, और अब हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे स्टफिंग को। आटा भी हमारा सेट हो गया है, और एक बार हम फिर से इसे स्मूथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जियां भी ठंडी हो गई हैं,
जो हमारी स्टफिंग थी वो भी तैयार हो गई है, आटा भी तैयार हो गया है। अब कचौरी बनाने के लिए हम हाथ पर सबसे पहले हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, फिर आटे में से छोटा सा पोर्शन लेंगे नींबू के बराबर का, हम इसे रोल करेंगे अच्छे तरह से चिकना कर लें और फिंगर से हम इसमें कटोरी की शेप देंगे, थोड़ा थोड़ा हम इसे रोटी की तरह फैलाएंगे। देखिए इतना सॉफ्ट आटा है हमारा कि हम इसे फिंगर से ही फैला सकते हैं, हमें इतना सॉफ्ट इसको रखना है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे, चम्मच से आप एक से डेढ़ चम्मच स्टफिंग इसमें आराम से ले सकते हैं और हल्का सा इसे अंदर की तरफ प्रेस करते हुए हम अपने आटे को सील कर देंगे। जो हमने आटे की कचौरी तैयार की थी देखिए उसको इस तरह से सील कर दें, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं, जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल देंगे और इसे प्रेस कर लेंगे हाथ से ही, हाथ से हथेली से ही हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसको कचौरी की शेप में फैला लेंगे। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा किनारों से ही इसे प्रेस करें, बीच से हम ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से हम अपनी सारी कचौरियां बनाकर रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। पहले आटे को अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, फिर फिंगर से हम उसमें कटोरी जैसी शेप देंगे। देखिए हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए फिंगर से उसको हाथ पर फैला लें और उसके बीच में अब हम भरेंगे स्टफिंग। तो एक से डेढ़ चम्मच स्टफिंग आप बहुत आराम से इसमें भर सकते हैं, निकलने का डर नहीं रहता है क्योंकि हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो स्टफिंग को हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करते हुए हम अपनी कचौरी को सील कर देंगे इस तरह से, और इसे हाथ से प्रेस करें, हथेली से दबाकर इसको शेप देंगे कचौरी की। तो इसी तरह से हम अपनी सारी कचौरियां बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इन कचौरी को शैलो फ्राई करूंगी। आप एयर फ्रायर में भी आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं, आप इन्हें माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, पर माइक्रोवेव करने से पहले आप कचौरी पर हल्का सा ऑयल लगा लें, ब्रश से आप ऑयल लगा लें, फिर उसके बाद इन्हें माइक्रोवेव करें। तो यहाँ पर मैंने पैन को गर्म होने के लिए भी रख दिया है और उसमें डाला है हमने 3 बड़े चम्मच ऑयल, और जो कचौरियां हैं हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर, लो हीट पर ही फ्राई करनी है। ऑयल को हम पूरे पैन में अच्छे से फैला लेंगे। तो ऑयल हमारा गरम हो गया है, हम एक बार हाथ से चेक कर लेते हैं और कचौरी को हम उसमें सेट कर देंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 कचौरी एक बार में हम फ्राई कर रहे हैं, पैन में जितनी आए आप उतना ही डालें और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो हीट पर जो हमारी कचौरियां हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगी, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो हमें ध्यान देना है कि हमें इन्हें बार बार नहीं पलटना है, और जब ये इस तरफ से एक बार सिक जाए तब हम इन्हें पलट लेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी ही हम इन्हें पलटेंगे, और इसे पलटते हुए हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कलर इसमें ना दें और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, क्योंकि इससे हमारी कचौरी अंदर तक सिकेगी और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी बनेगी। अगर हम इन्हें डीप फ्राई कर रहे हैं तब भी हम इन्हें लो फ्लेम पर ही करेंगे। एक बारी में बैच को सिकने में इसे 8 से 10 मिनट लग जाती हैं। तो गेहूं के आटे से बनी हुई ये वेजिटेबल कचौरी जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और साथ ही हेल्दी भी है। तो देखिए आप एक तरफ से गोल्डन कलर कचौरियों में बहुत ही अच्छे से आ गया है, बहुत ही क्रिस्प है, देखने में ही पता चल रहा है। तो दूसरी तरफ से भी हम इसमें अच्छे से कलर ले लेंगे और जो हमारे कॉर्नर्स रह गए हैं उसको हम कचौरी को चिमटे से उठाएंगे और इस तरह से उसको लेकर कॉर्नर्स को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देखिए इस तरह से आप कचौरी को करें तो चारों तरफ से कचौरी बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाएगी। अब जब कचौरी हमारी सिक जाए तो हम ऑयल से निकालते हुए इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लें, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इनका निकल जाएगा। तो अब देखिए दोनों तरफ से हमारी जो कचौरियां हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो अब हम कचौरी को कॉर्नर से सेक लेंगे पहले, और उसके बाद हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये आज की कचौरी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर ये खस्ता कचौरी आप इसे नाश्ते में बनाएं सुबह के, या फिर शाम की चाय के समय, या जब भी आपका मन करे आप ये कचौरियाँ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी कचौरी बिल्कुल तैयार हो गई है, गेहूं के आटे से बनी हुई है, इसमें कोई मैदा का यूज नहीं किया है। और मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, सुना देती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी है। देखिए आप पता चल रहा है ना, बहुत ही खस्ता कचौरी है,
बहुत ही क्रिस्पी है। बहुत सारी सब्जियां इसमें भरी हुई हैं, आप पसंद की अपनी कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो गर्मा गर्म कचौरी, जिसे आप चटनी, सॉस, आप किसी भी चीज से आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसे बिना किसी चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए आप इस रेसिपी को तैयार कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।